सो द क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन था कि एक लाइन, दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। पहली लाइन की इक्वेशन थी, क्या थी पहली लाइन की इक्वेशन? y माइनस का टू डिवाइडेड बाय x माइनस का 5 इज इक्वल टू m1। और अगली लाइन थी y+4 डिवाइडेड बाय x माइनस का 3 इज इक्वल टू m2। हमें पता दोनों लाइंस राइट एंगल्ड हैं एट P पॉइंट पर, m1 m2 पैरामीटर है। तो बेसिकली m1 into m2 दोनों का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, ठीक है ना? मैं आपका माने P पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो हम लोग h, k लिख सकते हैं, लेकिन फाइनली h, k की जगह x, y ही रिप्लेस करना है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भैया y माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x माइनस का 5 इंटू y प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस का 3, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? -1 आएगा। और जो लोकस दिया हुआ था P पॉइंट का, वो हमें दे रखा था क्वेश्चन में x² + y² + gx + fy + 7 = 0, और अपने को f - g की वैल्यू पूछी गई थी। ये था क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को पूरा का पूरा आप सिंप्लीफाई कर दो, कंपेयर कर दो इसके साथ में, वहां से x का क्वेश्चन fg आ जाएगा और y का क्वेश्चन f आ जाएगा। वहां से सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर दिस कैन बी डन बाय ऑल ऑफ यू, राइट? इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। इसका आंसर आएगा 10, ठीक है ना? इसका आंसर आएगा 10, वो आप मार्क कर लेना, मतलब देख लेना, ठीक है ना? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था वो क्या था? P पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन x, y, ठीक है ना? और 3x + 5y जो है ना 15 के बराबर है। 3x + 5y जो है वो 15 के बराबर है, ठीक है? 3x + 5y किसके बराबर है? 15 के बराबर है। P पॉइंट लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है P पॉइंट, ठीक है? तो क्या करना है अपने को इसका मतलब, एंड P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मान लो कोई ये P पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्विडिस्टेंट है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। अब मुझे तो नहीं पता P कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि 3x + 5y = 15 को अगर मैं प्लॉट करना चाहूंगा तो ये क्या आएगा, y को 0 करूंगा तो x की वैल्यू 5 आएगी, और x को 0 कर दूंगा तो ये 3 आ जाएगी। तो मतलब इस तरीके से कुछ आएगा, बोलो, है ना? मतलब ये पॉइंट क्या आएगा भाई, y को 0 कर दो तो ये 5, 0 आएगा, और x को 0 कर दो तो बेटा ये क्या आएगा, 0, 3 आएगा। सही है यहाँ तक? तो P पॉइंट तो कहीं भी लाई कर सकता है, इट कैन बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वेयर एवर इट कैन बी। तो अगर डिस्टेंस की बात आ रही है तो मतलब मॉडुलस x इज इक्वल टू मॉडुलस y होगा। अगर x, y P का पॉइंट मानता हूँ, कोऑर्डिनेट मानता हूँ, तो x, y यानी मॉड x जो है ना वो मॉड y के बराबर हो जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बस अब क्या करना है, अब यहां से आप, और लेट अस से मुझे क्या निकालना है, P इज इक्विडिस्टेंट, P कैन बी लोकेटेड इन, मतलब मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू, अब x की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप लोग, x की जगह पर क्या आ जाएगा, सॉरी y की जगह पर 15, यहां से इससे क्या आ जाएगा, y की जगह पर y की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस का 3x डिवाइडेड बाय 5, राइट? तो मतलब y की जगह पर आप मॉड ऑफ y लिखोगे ऑब्वियसली, तो 15 माइनस का 3x डिवाइडेड बाय 5, इसका मॉडुलस आप सिंपलीफाई कर दो। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आ जाएगी ना बात, ये कि भाई या तो इस बात को आप ऐसे बोल लो, इस बात को ऐसे बोल लो कि मॉड x इज इक्वल टू जो मॉड y आया उसका मतलब या तो x इज इक्वल टू y होगा या x इक्वल्स टू माइनस y होगा, और x और y के अंदर में कोरिलेशन आपको पता है, वहां से आपके पास x और y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। वहां से आप देख लेंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट में, भैया सीधी बात है x और y दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो मतलब क्या, पहले कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, और इस हिसाब से आप आंसर आगे करते चले जाएंगे, ठीक है? तो आपके पास इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर सी है कोऑर्डिनेट नंबर 1 और 2, राइट फ्रेंड्स? तो चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन पे एक और बात कर लेते हैं। लेट मी राइट वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, और आप वो भी अटेम्प्ट कर दें। जस्ट अ मिनट। ठीक है, एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइंस, एक लाइन है
3x plus 4y is equals to 7a. आगे है 3x plus 4y is equals to 7b. आगे है 4x plus 3y is equals to 7c and 4x plus 3y is equals to 7d. ये चार ऑप्शन हैं आपके पास, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम अपने को बताना है, ठीक है ना? फटाफट से कर दें इस क्वेश्चन को. देखिए क्वेश्चन में कहा गया है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम बताना है, और हमें साफ साफ नजर आ रहा है ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं. तो आप सबको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं छोटा सा. मान लो एक पैरेललोग्राम है, ये L1 लाइन है, y इज इक्वल्स टू m1 x plus c1, और ये L2 लाइन है, y इज इक्वल्स टू m1 x plus let us say m1 x plus दोनों कांस्टेंट का ही फर्क आएगा केवल और केवल, ठीक है ना? तो यहां पर let us say c2, यहां पर बात करूंगा y इज इक्वल्स टू m2 x plus let us say d1, और यहां बात करूंगा y = m2 x plus let us say d2, ठीक है ना? ये चारों लाइन obviously ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और लेंथ भी बराबर है सामने सामने वाली साइड्स की. तो एरिया अगर निकालना है ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑफ अ पैरेललोग्राम इसका डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं रिजल्ट में बता रहा हूं कायदे से. तो क्या करना चाहिए आपको, ये पॉइंट निकालें, ये पॉइंट निकालें, ये पॉइंट निकालें, मतलब एक ट्रायंगल निकाल लें और एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें तीनों पॉइंट्स निकालने के बाद, और उसका दुगना कर दें वो आंसर आ जाएगा. लेकिन बहुत लंबा तरीका है ये, इसका मैं डायरेक्टली आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ. आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि c1 माइनस का c2 इनटू d1 माइनस का d2, c1 माइनस का c2 इनटू d1 माइनस का d2 अपॉन, अरे मेरी बात समझ में, c1 माइनस c2 इनटू d1 माइनस d2 अपॉन डिफरेंस ऑफ द स्लोप्स, यानी m1 माइनस m2 मॉड है, किसी छोटे में से बड़ा, बड़े में से छोटा घटा दो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. आई एम रिपीटिंग, आपको क्या याद रखना है, कांस्टेंट्स का डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में आएगा डिवाइडेड बाय स्लोप्स का डिफरेंस, उसका जो मॉड होगा वो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है ना? आया कैसे ये बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि एक पैरेललोग्राम के अंदर में अगर ये एंगल थीटा होता है इन दोनों के बीच में, और मान लो ये इन दोनों लाइंस के बीच में L1 और L2 के बीच में डिस्टेंस P1 है, और L2 और ये L3 और L4 के बीच में लेट अस से P2 है, ठीक है ना? L3 और L2 L4 के बीच में P2 है, तो एरिया जो पैरेललोग्राम का होता है वो होता है एक्चुअली P1 into P2 into cosec थीटा. ये मालूम है ना? मतलब ये ऐसे ऐसे पता लगा सकते हो, मतलब सिंपल इसके अंदर में ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी. ये ए लेंथ है, ये बी लेंथ है, ये थीटा है, इतना तो सभी को पता है. एरिया ऑफ द ट्राइंगल एक निकाल लूंगा उसका दुगना हो जाएगा, मतलब टू टाइम्स हाफ ऑफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा हो जाएगा, हाफ से ये कट जाएगा तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा पैरेललोग्राम एरिया का. अब यहाँ पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा पी, तो पी डिवाइडेड बाय बी जो है वो साइन थीटा हो जाएगा, तो बी की वैल्यू पी अपॉन साइन थीटा, और इसी तरह ए की वैल्यू पी अपॉन कॉस थीटा, इसी तरह ए की भी वैल्यू पी अपॉन साइन थीटा हो जाएगी. P1 upon sin theta और P2 upon sin theta, इसको P1 माना है, ठीक है ना? तो वहां से P1 into P2 into cos theta आ जाएगा. और अब आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो P1 क्या है, distance between the two lines L1 and L2, P1 तो आप निकाल सकते हैं. कैसे बनेगा? C1 minus का C2 divided by under the root of 1 plus M1 square. इसी तरह P2 क्या निकालोगे आप? Modulus of D1 minus का D2 divided by under the root of 1 plus M2 का square. और cosec theta क्या होता है? cosec theta is nothing but under the root of 1 plus cot square theta, यानी 1 upon tan square theta आ जाएगा, cot square theta की जगह. और tan theta क्या है? modulus of m1 minus का m2 whole upon 1 plus m1 m2. तो वहां से वैल्यू सारा कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो आंसर है मैंने आप सबके सामने लिख दिया. इतना एफर्ट आपको डालने की जरूरत नहीं, मैंने डायरेक्टली आपको लिख दिया. लेकिन एक चीज ध्यान रहे, हमेशा ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को आप हमेशा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे. मतलब मान लो अगर एक लाइन की इक्वेशन लिख रखी है 3x plus 2y, 2y is equals to 4, तो सबसे पहला काम इसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें, क्योंकि ये फॉर्मूला जो डिराइव किया गया है वो तब किया गया जब इन लाइंस की
को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा गया, यानी इसको क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू माइनस का y इज इक्वल टू 4 माइनस का 3x और होल डिवाइडेड बाय यहां भी 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा, तो m की वैल्यू -3/2 आएगी और c की वैल्यू 4/2 आ जाएगी यहां पर। इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से। तो दोस्तों इस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो इस इक्वेशन के अंदर में आप सबसे पहला काम इसको y इज इक्वल टू माइनस का 3x और प्लस का 7a और ये बाय 4 करो और इसको भी y इज इक्वल टू माइनस का 3x अपॉन 4 करो प्लस का 7b डिवाइडेड बाय 4 करो और इसको भी y इज इक्वल टू माइनस का 4x बाय 3 प्लस का 7c डिवाइडेड बाय 4 करो और इसको भी y इज इक्वल टू माइनस का 4x y इज इक्वल टू माइनस 4x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7d डिवाइडेड बाय 3। ये चार लाइनें आ गई। अब इसके अंदर में आपको इन दोनों का स्लोप नजर आ रहा है, m1 क्या आ रहा है, m1 आ रहा है माइनस का 3/4, ये c1 आएगा, ये c2 आएगा, m2 क्या आ रहा है यहां से पता लग रहा है, m2 कितना आ रहा है माइनस का 4/3 आ रहा है, ये रहा ठीक है ना, ये m2 क्या आ रहा है माइनस का 4/3 आ रहा है, ये d1 आ रहा है, ये d2 आ रहा है, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो वहां से अपने पास आंसर आ जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट, उसको सिंपलीफाई करेंगे तो फाइनली दोस्तों मैं आंसर आप सब लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूं, आंसर आएगा 7 टाइम्स मॉडुलस ऑफ a माइनस का b इनटू c माइनस का d, दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट फ्रेंड्स।